किसी को अपन नहीं। जिस तन लागे वो तन जाने, दर्द क्या होता है ये उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता जिसे दर्द होता हो। अब जहां धूप की बात होती है वहां पे छांव की बात भी जरूर होती है, आग की बात होगी पानी की बात भी जरूर होगी, विष की बात होगी अमृत की बात भी जरूर होगी, और जहां पर दर्द की बात होगी वहां पर डॉक्टर रोहित लाहौरी की बात जरूर होगी। डॉक्टर रोहित लाहौरी कौन है, ये जिन्हें दर्द होता है उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और जो नहीं जानते वो आज ये प्रोग्राम जरूर देखें, क्योंकि यदि आपको किसी प्रकार का कोई दर्द है तो पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर के तहत किस तरह से आपके उस दर्द पर फोर्सफुली अफेक्ट किया जा सकता है और किस तरह से उसे वहां पर धपका देकर उसे दर्द दूर की जा सकती है आपकी बाकी बीमारी को छोड़कर, ये हम डॉक्टर रोहित लाहौरी जी से पूछेंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड पैलेटिव केयर डे है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है, और पेन एंड पैलेटिव केयर की बात होती है तो मुझे डॉक्टर रोहित लाहौरी के अलावा कोई और शक्ल नहीं दिखती है, क्योंकि आप ही ने गांधीनगर में इसे इंट्रोड्यूस किया, इसी को आप आगे लेकर जा रहे हो, और आपने ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि भारत में ख्याति प्राप्त की है। पेन एंड पैलेटिव केयर को सबसे आसान शब्दों में किस तरह से आप डिफाइन करेंगे और किस तरह से लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से ये अफेक्टिव है लोगों की दर्द दूर करने के लिए? देखिए ऐसा है अमित जी कि पेन अपने में एक अलग कॉन्सेप्ट है और पैलेटिव का अलग कॉन्सेप्ट है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे मतलब ये है कि रहते इकट्ठे हैं पर कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। जो पैलेटिव केयर का कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि वो एक सपोर्टिव केयर है, टर्मिनली इल पेशेंट जो है उसके लिए एक सपोर्टिव केयर है। जब हमारे तरफ से कोई फरमान जारी होता है कि भैया अब आप उस डिजीज़ के उस लेवल पे आ चुके हैं कि यहाँ से आपका रिवर्स जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हमें वो उस पेशेंट के लिए एक सपोर्टिव केयर के लिए ज़रूरत है कि सपोर्टिव केयर हम कैसे उसको दे दें। सपोज़ ये कैंसर का पेशेंट है, हमने आज हमने डायग्नोसिस कर दिया पर्सन एक्स को कि इसको कैंसर है, तो ये तो वैसे ही टूट गया, कैंसर का नाम सुन के ही टूट गया, ठीक ठीक है ना। तो अब हम ये नहीं कहते हैं कि भाई अब यहाँ से आपका कैंसर का ट्रीटमेंट का जो प्लान है वो कैसे चलेगा या क्या बनेगा, हम ये कहते हैं कि आप अपना क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है या थेरेपेटिक ट्रीटमेंट जो है उसको कंटिन्यू रखिए, वो आपका चलेगा, आपका जो इलाज है कैंसर के बारे में वो सब चीज़ें चलेगी। मगर जब उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो कोई कारण तो हुआ होगा कैंसर डिटेक्ट होने का, या इसको कोई ब्लीडिंग हुई होगी, या इसको कोई पेन हुई होगी, या कोई वोमिटिंग हुई होगी, या कोई ना कोई जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट हुआ। मतलब नॉर्मल हर नॉर्मल इंसान अपनी स्क्रीनिंग करने तो नहीं जाता ना, तो वो जो वो वजह रही है तो मतलब कि वो एक सिम्टम है डिजीज का, जिसकी वजह से ये डायग्नोज हो पाया तो इसका कोई सिम्टम आया था डिजीज का। अब वो जो सिम्टम डिजीज का है क्या हम उसको, कैंसर तो अपनी जगह है, सिम्टम अपनी जगह है। अब ये सिम्टम जो है ये एक जगह दूसरी तीसरे में चौथे में, जैसे एक बर्गर का पेड़ होता है ऐसे ही ये सिम्टम्स बढ़ते चले जाएंगे। Exactly. इसके अभी इसकी जो सिम्टम है वो पेन की है, बाद में उसको भूख नहीं लगेगी, उसके बाद उसका वेट लॉस हो जाएगा, उसके बाद उसको फेफड़े में पानी हो जाएगा, या कहीं मतलब एक्सपेक्ट या नींद नहीं आएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, पेन हो जाएगी। तो इन सब सिम्टम्स को जो है उसको कौन ट्रीट करेगा, उन सब सिम्टम्स को कौन एड्रेस करेगा? या एक टर्मिनली इल पेशेंट है, हम उसको बोलते हैं कि भाई ठीक है अब कैंसर का पेशेंट था या एचआईवी का पेशेंट था या डिजीज कोई ऐसी टर्मिनली थे, भाई आप हमने जो करना था वो हो गया, हमसे डॉक्टर्स ने कहा हमने कर लिया जो करना था, अब इसके बाद आप इसको घर जाके सेवा कीजिए। तो आप एक अंदाजा कीजिए वो फैमिली जो घर ले जा रही है पेशेंट को और उनको पता ही नहीं है कि मैं घर जाके क्या करने जा रहा हूँ उस पेशेंट के साथ, उसको ये नहीं पता इसको बेड सोर है तो मैं बेड सोर को क्या लेके, डॉक्टर कहा भाई आप कुछ नहीं होने वाला आप इसको ले जाओगे, तो कैसे मैं करूँ उसको, इसको कॉन्स्टिपेशन में कैसे इसकी हैंडल करूँ, इसको ब्रेथलेसनेस हो रही है या हैंडल नहीं हो रहा है यहाँ पे इसको सांस की, तो मैं इसको कैसे वहाँ पे हैंडल करूँ, तो इसको हम कैसे जाके, या इसकी पेन है तो मैं घर जाके क्या इसको हाथ पकड़ूँ तो सेवा करूँ तो ये पेन खत्म हो जाएगी क्या? तो इन सब चीज़ों को जो एड्रेस करना है वो सब एक हॉलिस्टिक वे में अप्रोच करना है, अलग अलग सिम्टम्स को एड्रेस करना है, एक टेलर मेड जैसे हम अपनी शर्ट बनाते हैं अपने फिट साइज की बनाते हैं, ऐसे हर एक सिम्टम्स को एक पेशेंट के हिसाब से उसको टेलर मेड ट्रीटमेंट देना है, वो एक पैलेटिव केयर और हॉस्पिस केयर में ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इंटरव्यू थोड़ा लंबा होने वाला है, आप अपनी कॉफी कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ में डिस्प्ले के माध्यम से कुछ समझाया जा सकता है कि क्या चीज। देखिए जो इस बार हॉस्पाइस और पैलेटिव केयर का डे है ये 9 अक्टूबर में मनाया जा रहा है, और आपने देखा हमारे पास जो मेन है वो मुद्दा है इस बार का, जो हमारा थीम है वो है लीव नो वन बिहाइंड, इक्विटी इन एसेस टू पैलेटिव केयर। मतलब कि कोई बंदा पीछे नहीं रहना चाहिए जिस तक ये पैलेटिव केयर की पहुंच ना पहुंचे। मतलब कि पैलेटिव केयर सपोर्टिव केयर है, टर्मिनली इल केयर है,
तो इसका जो पहुंच है वो हर एक इंसान तक जिसको जरूरत है इसकी उस तक पहुंचनी चाहिए, महरूम नहीं रहना चाहिए। होगी उसके अलावा जो उसके साइड इफेक्ट साथ में आते हैं, एब्सोल्युटली जो उसके जो साइड इफेक्ट है, जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसके आ रहे हैं सिम्टम्स, उनको हम कैसे केयर करेंगे, वो पैलेटिव केयर में हम सपोर्टिव के माध्यम से उनके लिए एक बनाएंगे, एक प्रॉपरली प्लान करेंगे। हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल में क्योंकि यहाँ पे जो गांधीनगर हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड पैलेटिव केयर यूनिट है, हमारा 10 बेडेड फुल फ्लेज्ड पैलेटिव केयर यूनिट है। ये हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। तो फुल फ्लेज्ड पहला पैलेटिव केयर सेंटर यहाँ पे 12 मार्च 2019 को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से इनॉग्रेट हुआ था, और ये फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाना जा रहा हूँ, इस तस्वीर के बारे में मैं सिर्फ अब बड़ी छोटी सी बात करने जा रहा हूँ। मैं एक ये सुसाइडल नोट था एक बहुत बड़ी हस्ती का, जिन्होंने अपनी सुसाइडल नोट में ये लिखा था कि भाई मैं अपनी लाइफ को एंड करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे से पेन नहीं बर्दाश्त हो रही। और वो ये जो शख्स थे ये कोई मामूली शख्स नहीं थे, ये शख्स थे हिमांशु रॉय। हिमांशु रॉय जिसको सुपर कॉप कहते हैं मुंबई में, जिन्होंने इतने सुपर कॉप थे, इतने बड़े सुपर कॉप थे कि ये इन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर्स किए थे। इन्होंने कितनी बार अपनी मौत से इन्होंने झूला होगा, कितनी बार इन्होंने अपनी मौत से झूल के इन्होंने हैंडल किया होगा, मगर कहीं ना कहीं इनको जब कैंसर हुआ ही कुड नॉट हैंडल द पेन, तो हैंडल अपनी पेन को नहीं करने की वजह से इन्होंने अपने ही गन से अपने सुसाइड किया। तो आप लोगों ने लिखा कि मैं अपनी पेन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक तस्वीर आपके सामने और है जहाँ पे एक लेडी ने, इसको ट्यूमर था, बहुत ट्यूमर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, सिम्टम्स देख रहे हैं यहाँ पे फैला हुआ था बाकी सब चीज़ें, ये अपनी पेन को नहीं हैंडल कर पाई और इसने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से गुजारिश की, अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से गुजारिश की कि मेरे को यूथनेसिया मतलब कि मौत की फरमाइश दी जाए कि मैं अपनी मौत खुद चुन लूँ, मौत में अपनी खुद चुन लूँ, और ताकि मुझे डेथ लेने की एक इजी प्रक्रिया मिले। तो जिसको हम यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या ग्लोबली भी मानता नहीं मिलती है, इसको यूथनेसिया कहते हैं, किसी को अपना आप को मारने की इजाज़त नहीं है, ना हम उसको मार सकते हैं एज ए डॉक्टर कि हमें पता है इसकी टर्मिनल इल है, हमें हमने कितना भी उसको करना है तो हमें उसको सपोर्टिव केयर देने की ज़रूरत है जी। अब देखिए पेन जो है, इन सब सिचुएशंस में पेन है। अगर आप ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक लेडी है जो अपना टैटो बनवा रही है, एक लेडी है जो वैक्सीनेशन करवा रही है, और एक लेडी है जिसको कैंसर है। अब ये देखिए तीनों चीज़ों में पेन है, एक बड़ी खुशी से पेन को अपने ले रही है, वो टैटो बनवा रही है, उसको टैटो की खुशी इतनी है कि वो टैटो में ही अपनी खुश है कि पेन लेने में तैयार है। दूसरा वैक्सीनेशन, उसको पता है कि मेरी सेफ्टी मेजर के लिए वैक्सीनेशन है, तो वो छोटी सी पेन लेने को तैयार है। और तीसरी है जो कमरे में बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करके डिप्रेशन एंग्जाइटी और बाकी फियर्स में चली गई है, और उन सब चीजों को वो लेके उसका पेन का एक इंटेंसिटी अलग है। तो मतलब ये सब चीजें जो है पेन को कितने प्यार से, पेन खुशी जो है, जो खुशी में भी आंसू आते हैं गम में भी आंसू आते हैं, तो ये उसी तरीके से है कि आप खुशी में भी पेन ले सकते हैं और गम में भी पेन होती है। देखिए पेन जो है इसमें बहुत सारे एक फैक्टर्स हैं, जो ऐसे फैक्टर्स में हम बात करें तो कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं जो बहुत पेन की वजह से लो टॉलरेट हो जाते हैं, जैसे डिस्कम्फर्ट होता है बहुत ज़्यादा, इंसोम्निया मतलब कि नींद नहीं आती है, फटीग फीचर करता है, मेरी थकावट है दिन में, एंग्जाइटी है, फियर है, अकेलापन है पेशेंट को, उसमें उदासीपन आती है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, किसी से बात नहीं करता है, सोशली आइसोलेट करता है, अपने कमरे में बंद कर देता है, और ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल अपने को महरूम कर देता है दुनिया से। मगर जब हम इन सब चीजों से उसको निजात दिलाएं तो क्या होगा, जब हम उसको नींद भी आएगी, रेस्ट आएगा, रिलैक्सेशन आएगी, इसमें सपोर्टिव मेजर्स होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, एम्पैथी होगी, मतलब हम एक दूसरे को समझना शुरू करें, सोशल इंक्लूजन मतलब ये देर सवेर अलग अलग सामाजिक जो फंक्शंस हैं उनमें जा सकता है, एनकरेजमेंट मिलेगी इसको कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, या मेरे को पेन के लिए, मैंने बहुत सारे मेरे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनको पेन होती है, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ जब पेन को काफ़ी रिलीफ होती है तो क्या कैसा लग रहा है आपको माता जी, तो कहते हैं बेटा अब तो भूख भी लग रही है। तो देखिए आप ये समझ सकते हैं कि कितना उनका डिप्रेशन हो जाता है और कितना उनमें एंग्जाइटी होती है कि भूख तक को भी इफेक्ट करती है, या चिड़चिड़ापन स्वभाव में, तो अब वो बच्चे भी कहते हैं कि माता जी अब बेटर फील करना स्टार्ट कर रही है। कोई व्यास कश्यप जी पूछ रहे हैं कि कमर दर्द का इलाज है कोई, आपके कमेंट्स हम बाद में लेंगे, पहले डॉक्टर साहब अपना फिनिश कर लें, उसके बाद फिर आपके कमेंट्स जो हम लेंगे। तो ऐसा है व्यास जी, हम थोड़ी देर में आपको एड्रेस कर लेते हैं। तो अभी हम फिलहाल पेन की बात करें, पेन बहुत किस्म की है, जो कैंसर पेन्स हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, क्रॉनिक पेन्स भी खतरनाक है। अब मुद्दा यहाँ पे आ रहा है कि पैलेटिव केयर की नीड क्या है। ये देखिए, ये मैंने इसलिए आपको एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ग्लोब की थी, आप यहाँ पे एक आंकड़ा देख रहे हैं 67, ये 67 जो है ये
बहुत अजीब आंकड़ा है, जबकि आप हमारे साथ वाले इंडोनेशिया का आंकड़ा 53 देख रहे हैं और जब आपकी यहां पे युगंडा का आंकड़ा 35 देख रहे हैं, ठीक है, और यूके का आंकड़ा 1, ऑस्ट्रेलिया का 2 और न्यूजीलैंड का 3 देख रहे हैं, जबकि खुद अमेरिका 9वें नंबर पे और कनाडा 11वें नंबर पे है। अब ये क्या चीजें हैं, नंबर गेम क्या है? ये नंबर जो है ये है क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी क्वालिटी को इंप्रूव, लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम गाड़ी रखते हैं, बंगला रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, एक नया मकान बना लिया, फ्लोरिंग कर दी, ये कर दी, हमने अपने ऐशो आराम के लिए बहुत कुछ कर लिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा दी हमने, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दो जनरेशन डाउन के लिए भी बढ़ा दें। पर क्या किसी ने कभी सोचा है कि मेरी क्वालिटी ऑफ डेथ को मैं कैसे ऑप्ट करूं, क्या कैसे मेरी क्वालिटी ऑफ डेथ होनी चाहिए? अगर सपोज एक टर्मिनली इल डिजीज हो गई तो मैं किस तरीके की क्वालिटी ऑफ डेथ चाहूं? कि क्या मैं एक, आप चाहेंगे कि एक हॉस्पिटल में आप पड़े रहें, एक आईसीयू में पड़े रहें और आपको मरते समय आपके बच्चे हाथ भी ना पकड़े? तो मैं तो कम से कम नहीं चाहूंगा इस टाइप की डेथ। मैं तो चाहूंगा कि जिस समय मेरा अंत समय आए तो मेरे बच्चे आजू बाजू में पड़े हों, मेरे हाथ पकड़े हों, तो मैं इस दुनिया से विदाई ज्यादा बेटर उस तरीके से चाहूंगा। तो ये क्वालिटी ऑफ डेथ और क्वालिटी ऑफ इंडेक्स का जो लाइफ का है उसमें हिंदुस्तान जो है 67 नंबर पे, हमें इसको बहुत अच्छा इंप्रूव करना है। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है, ये जो डेथ का इंडेक्स है, इसको इंप्रूव कर रहे हैं हम। देखिए हमसे भी कुछ गरीब मुल्क हैं, उनके कुछ बेटर इंडेक्सेस हैं, बट हम वी आर ट्राइंग टू, इन सब चीजों को फोकस करने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल प्रोग्राम आया जिसको हम नेशनल पैलेटिव केयर प्रोग्राम कह रहे हैं, जो 2012 में लॉन्च हुआ। अब मुद्दा यह है कि हम जो जिन कंट्रीज में ये लाइफ ऑफ डेथ का इंडेक्स जो बड़ा अच्छा है उनमें क्या है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लोगों में अवेयरनेस है डेथ के और लाइफ के बारे में, अवेयरनेस है उनको, अपने केयर के बारे में अवेयरनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चीज़ें हैं। और वाइड अवेलेबिलिटी है पेन किलर्स, कौन कौन से पेन किलर्स की, वन पेन किलर्स की जो टर्मिनली इल स्टेज में लगते हैं, टर्मिनली मैं हर पेन किलर की बात कर रहा हूँ, पेन किलर जो होते हैं वो बहुत घातक भी होते हैं, बहुत डैमेजिंग होते हैं, मैं उन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की बात कर रहा हूँ जिनकी सिर्फ अवेलेबिलिटी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स के लिए ही होती है। अब पैलेटिव केयर का परसेप्शन क्या है, आपकी इस पिक्चर से बहुत बहुत क्लियर होगा कि पैलेटिव केयर का परसेप्शन क्या है। ये सभी आंखों में पट्टियां बांध के हैं और एक हाथी दे दिया है हमने इनको हाथ में, तो एक ने कहा ये हाथी कैसे कहता है, ये एक धागे जैसा है, लंबी पूंछ है इसकी, एक ने कहा नहीं इसकी तलवार जैसी नोक है इसके, किसी ने कहा नहीं कान है ये फैन जैसे हैं, किसी ने कहा ये तो पिलर जैसी टांगे हैं। तो जिसको जैसा पैलेटिव केयर समझना है वो वैसा पैलेटिव केयर को समझ रहा है, मगर पैलेटिव केयर क्या है वो एक डिफरेंट ही एस्पेक्ट है। ये फिलोसॉफिकल है पैलेटिव केयर, ये है द टास्क ऑफ मेडिसिन इज टू केयर इवन व्हेन इट कैन नॉट क्योर। हमें तब भी एक इंसान को बहुत हद तक राहत देनी है अगर हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, राहत देने का हक बनता है उस पेशेंट का, हमें उसको देना है, इसलिए ये एक फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो बहुत सारे मुल्कों में अलग अलग किस्म की पैलेटिव केयर की नीड्स है। लोग कहते हैं कि पैलेटिव केयर की नीड सिर्फ कैंसर तक महदूद है, मैं कहता हूं कि कैंसर तो एक पार्ट है छोटा सा जिसमें पैलेटिव केयर की नीड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पे ब्रेन डिजीजेज है, लंग डिजीजेज है, सर्वोवैस्कुलर डिजीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जहां पे इन पैलेटिव केयर की नीड्स है। और पैलेटिव केयर की नीड जो है वो हर अलग एज ग्रुप में है, 60 से 70 के करीब 40% लोगों के हिंदुस्तान में पैलेटिव केयर की नीड है, 27.1 के 50 से 60 के बीच में है। तो पैलेटिव केयर की नीड जो है ये हर एक अलग चीज़ में है। और अगर माना जाए तो बच्चों में, यस बच्चों में भी पैलेटिव केयर की नीड है। इस लाइन के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया जो है ये थर्ड हाईएस्ट नंबर है कैंसर केसेस में अमंग वुमेन, और 2000 वुमेन डायग्नोस होती हैं कैंसर से, जिसमें 1200 वुमेन जो है वो टर्मिनली इल स्टेजेस में डिटेक्ट होती हैं एवरी डे। सो देयर हम एक बात हमेशा कहते हैं कि देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू फॉर यू, यू कैन टेक होम एंड सेवा करो, आप घर ले जाओ, ये टर्मिनल स्टेज में है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मगर हम पैलेटिव केयर की जब बात करें तो हम हमेशा कहते हैं देयर इज ऑलवेज समथिंग वी कैन डू, हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा बीमारी जब खराब हालात में पहुंचा दे इंसान को तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे इफेक्ट करती है, उसके साइकोलॉजिकल, सोशल, बिहेवियरल और यहाँ तक मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर में भी। इसलिए इवन हिपोक्रेट्स ने भी कहा था जब बीमारी आप पे पूरी तरह से हावी हो जाए तो एक डॉक्टर को उन्होंने संदेश दिया था तो बीमारी को छोड़ के उसके सिम्टम्स को ट्रीट करो। तो ये सिसली सुंदर जो थी ये नर्स भी थी, ये सोशल वर्क भी थी, एक्टिविस्ट भी थी और बाद में ये डॉक्टर बनी जिन्होंने ये पहली बार पेन का कॉन्सेप्ट लाया 1967 में, पेन और पैलेटिव केयर का कॉन्सेप्ट लाया इन्होंने।
ये स्लाइड तो आपको बहुत प्यारी लगेगी अमित जी, जिसमें खुद अमित जी खुद भी खड़े हैं खन्ना साहब के साथ। तो खन्ना साहब और अमित जी दोनों लेजेंडरी हैं, आनंद मूवी में हैं, जिसमें उन्होंने बताया बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। एग्जैक्टली, जिंदगी जो है वो बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं होनी चाहिए। और आप ये स्लाइड जो है ये आप समझ सकते हैं कि ये स्लाइड में खुद में अपना एक बहुत बड़ा इफेक्ट है पैलेटिव केयर को लेकर। अगर इसी चीज़ को हम मुन्ना भाई में देखें तो मुन्ना भाई में आप देखेंगे जादू की जफ़ी, जहाँ पे वो कैंसर के पेशेंट को जादू की जफ़ी देता है और वो कुछ उसके साल जो है कुछ या कुछ महीने बढ़ जाते हैं। तो ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पैलेटिव केयर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगी। जो जादू की जफ़ी है उसको मैं पैलेटिव केयर कह सकता हूँ एक तरीके से। तो गोल पैलेटिव केयर के बहुत सारे हैं, इसमें हम यही है कि क्वालिटी जो है लाइफ की उसको प्रमोट करें, ट्रीट करें पर्सन को, उसको सपोर्ट दे फैमिली को जितना हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हु की डेफिनेशन मान सकते हैं तो हु ने कहा था इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए पेशेंट एंड देयर फैमिली, एंड देयर फैमिली उन्होंने पहले कहा, एंड देयर फैमिली फेसिंग द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस थ्रू प्रिवेंशन एंड रिलीफ ऑफ सफरिंग, जो उसकी सफरिंग्स है उनको मैं प्रिवेंट करूं और उनको बचाऊं ताकि उस पर जो सोशल साइकोलॉजिकल फिजिकल और सुपरचुअल इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको मैं कम कर दूं। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ आपको ये एक स्लाइड आपके माध्यम से लोगों में पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो है ये एक डिजीज़ है, टर्मिनली इल डिजीज़, जहां पे एक डायग्नोसिस हो गया है, यहां पे इस पोजीशन पे डायग्नोसिस हो गया है कि यहां पे इसको टर्मिनली है। अब ये क्यूरेटिव में चल रहा है, सपोज़ ये कैंसर है या कोई भी बीमारी है जो टर्मिनली है, ये इसका क्योर चल रहा है। तो पैलेटिव केयर जो है वो पहले दिन से स्टार्ट होगा। ये थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट था, अब जो नया कॉन्सेप्ट है इन सब चीज़ों का, वो कॉन्सेप्ट जो है वो है कि स्कोप ऑफ पैलेटिव केयर क्या है। देखिए स्कोप ऑफ पैलेटिव केयर में हम सबसे पहले सपोर्टिव केयर देते हैं और सपोर्टिव केयर में हम उसकी बीमारी की जो है उसको हैंडल करेंगे, उसकी इलनेस को हैंडल करेंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करेंगे, उसके जो सिम्टम्स बन रहे हैं उनको हैंडल करेंगे, जिसमें रैपिड जो सिम्टम्स बन रहे हैं करेक्टेबल कौन कौन से कर सकते हैं उनको सिम्टम्स को हैंडल करेंगे, और अगर हमें इंटरवेंशन करने की जरूरत है, यहां तक कि उस पेशेंट का जो है एंड ऑफ लाइफ, EOL होता है एंड ऑफ लाइफ, उस तक को भी हम एक अप्रोच करके उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि कब उसका अंत समय आ रहा है। उसको हम उस समय फ्यूटाइल एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है, लाओ जी डॉक्टर को बुलाओ, ये करो वो करो फलाना करो टीका लाओ ये करो वो करो, अभी अंत समय है उसका, उसको हक है एक आराम से जाने का भी हक है उसको, ठीक है ना। तो उसका वो भी एक प्लान करना है, और जो एक्टिव योर एंड ऑफ लाइफ केयर जो होता है वो एंड के लाइफ केयर में हमने कैसे देना है वो बहुत जरूरी है। तो हम इन सब चीज़ों को प्लान कर रहा है। तो अगर आप संक्षेप रूप में बताएंगे तो पैलेटिव केयर में क्या आ रहा है, तो हम इसमें एक ऑफर कर रहे हैं सपोर्ट को, वो सपोर्ट जो हम अप टू डेथ देंगे, ऑफर कर रहे हैं उस सपोर्ट को फैमिली को, जो पेशेंट की फैमिली जो कूप अप कर रही है इन सब चीज़ों से, हम रिलीफ कर रहे हैं सिम्टम्स को, हम एक नॉर्मल प्रोसेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं इंसान को, हम उसको ना हम उसकी डेथ को पोस्टपोन कर रहे हैं, ना हेस्ट कर रहे हैं, ना जल्दी मरने के लिए उसको कर रहे हैं, ना उसकी हम हेस्ट ये पोस्टपोन कर रहे हैं, जो अपना नॉर्मल प्रोसेस है उसमें जाएगा वो, हम उसकी मल्टी डायमेंशनल केयर कर रहे हैं, इंटीग्रेटली डायमेंशनल केयर कर रहे हैं, और हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और क्वालिटी ऑफ डेथ को हम उसको फोकस कर रहे हैं। तो ये पुराना था, ये नया कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से इसका डायग्नोसिस स्टार्ट हुआ, ये इसका ट्रीटमेंट का पार्ट चल रहा है जिसको हम क्यूरेटिव केयर कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये पैलेटिव केयर है, मतलब कि पैलेटिव केयर का रोल उसी दिन स्टार्ट होगा जिस दिन उसका डायग्नोसिस होगा, और कहाँ तक जाएगा एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ के बाद में भी कहाँ तक जाएगा बेवरमेंट, मातमदारी में भी पैलेटिव केयर का रोल है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली सफर कर रही है, मानसिक रूप से भी सफर कर रही है, ठीक है। और अगर हम ये मान के चलें कि एक 7 साल का बच्चा है, उसका 5 साल का बच्चा है, तो वाइफ तो सफर कर ही रही है, बच्चा भी कहीं ना कहीं सफर कर रहा है मानसिक रूप में। तो इन सब चीज़ों को हमें एक कह सकता हूँ मैं एक फुल तरीके से देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को देख के एक नेशनल पैलेटिव केयर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, और जिसको हमने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया 2019 में, गांधीनगर हॉस्पिटल से स्टार्ट हुआ, और ये कुछ जो संशोधन हैं वो स्टार्ट हुई हैं नेशनल NDPS एक्ट को लेके कि कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में। अब हमारा लास्ट स्लाइड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एरिया है जहाँ पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। फिर से इसको मैं मोड़ के दिखा देता हूँ आपको, ये एरियाज़ हैं जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो किन की है, हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत है,
डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें एजुकेट करने की जरूरत है, अपना पैरामेडिक्स को एजुकेट करने की जरूरत है, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करने की जरूरत है ताकि पैलेटिव केयर डेवलप भी हो सके, हमें नॉलेज मैनेजमेंट की जरूरत है ताकि लोगों में इस चीज़ की नॉलेज आ सके, और नॉलेज की नेटवर्किंग जैसे आप इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नॉलेज पहुँचाने का काम कर रहे हैं आप लोगों तक, तो नॉलेज की नेटवर्किंग, ये कुछ एरियाज हैं, चार एरियाज जहाँ पर हम इस समय हमें काम करने की जरूरत है और हमें काम करना चाहिए। बहुत अच्छे से संक्षिप्त तरीके से आपने डॉक्टर साहब बताया। और अब ये जिसने से आपने बताया कि मृत्युशैया तक व्यक्ति जो पहुंचता है, यदि आज भगवान ना करे मुझे कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे 2 या 3 साल से मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं जो ये 2 या 3 साल है वो शायद मैं स्ट्रेस इतना ले लूंगा कि शायद मैं 1 साल में ही मर जाऊंगा, तो शायद आप ये जो 2 साल है उसे इतना रिलीफ कर देंगे कि 2 का शायद हो सकता है मैं 3, 3.5 या 4 साल तक जी जाऊँ अपना स्ट्रेस को दूर करके, यही इन शॉर्ट। देखिए अमित जी, कॉन्सेप्ट तो यही है कि हम उसके सिम्टम्स को एलिनेट कर, देखिए जाना तो हर किसी ने, कोई यहाँ पे रहा नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े अवतार भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना, जाना तो हर किसी ने है, जाने का भी एक तरीका है, ढंग का है तरीका, ठीक है ना। तो आज भी हमारे समाज में सुसाइड को एक गुनाह माना जाता है कि भाई ये क्या है जी, ये डर गया जिंदगी से, जिंदगी जीने से डर गया तो इसलिए सुसाइड कर दिया। कानून भी कहता है कि अरेस्ट कर लो, बच जाएगा तो बच जाएगा, अरेस्ट कर रहा, ठीक है ना। तो मतलब जिंदगी जीने का जो प्रतिक्रिया, जो मतलब वो तरीका है जो जिंदगी जीने का, वो जिंदा दिल लोगों का ही एक तरीका है, ठीक है ना। तो आप अगर आप देखेंगे आनंद मूवी में भी राजेश खन्ना को पता था, जिसमें उसने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटेस्टाइनल का सारकोमा वारकोमा करके भी बोल रहा था, उसको बेचारे को नहीं समझ आ रहा था, पर वो जिंदा दिल था उसमें एंड तक भी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं, हमें जुड़ने की जरूरत है पेशेंट्स के साथ, पेशेंट्स की फैमिली के साथ जुड़ने की जरूरत है, और हम जुड़ रहे हैं उनके साथ डे बाई डे रूटीन में, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। देखिए बहुत बहुत सारे लोग जो हैं मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए पिताजी को मत बताइएगा कि इनको कैंसर है, जबकि एक मॉडर्न वर्ल्ड की नई सोच ये है कि अगर सपोज मुझे कैंसर है, मैं मान आज मेरा डायग्नोस होता, मुझसे मेरी फैमिली छुपाती है कि इनको कैंसर है या इनको कोई ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, अब नहीं है, और उनको पता है कि ये कुछ चंद महीने या चंद हफ्ते में या चंद साल में जा रहे हैं, क्या मुझे, आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत डिबेटेबल इशू है, डिबेटेबल इशू, क्या मुझे हक नहीं है जानने का कि मुझे क्या बीमारी है, क्यों जानने का हक है, क्योंकि अगर मैं जान जाऊं कि मुझे क्या बीमारी है, हो सकता है कि मैं अपने लिए या अपनी जो जनरेशन है पीछे कुछ अधूरे काम जो मेरे रह गए हैं मैं पूरे कर जाऊं, कम से कम मैं ये तो बता के जाऊं कि मेरी वाइफ को कि भाई मैंने किससे पैसे लेने हैं, किसने मेरे को देने हैं, किसको मैंने देने हैं, क्या मुझे हक नहीं है, क्या मुझे कुछ अधूरे काम करे जो मेरे अधूरे काम रह गए हैं, क्या मुझे वो हक नहीं है पूरा करने का, इसीलिए नहीं बताना चाहते लोग क्योंकि वो सोचते हैं कि स्ट्रेस में चले जाएगा, तो यदि उन्हें पैलिएटिव केयर की नॉलेज हो तो उनका वो स्ट्रेस वाला इशू जब सॉल्व हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बहुत देखिए अब हम इतना ब्लंडर नहीं होते हैं पेशेंट के साथ, क्या भाई आपको कैंसर है, ऐसा नहीं, हम पेशेंट से खुद पूछते हैं कि भाई आपको आपकी बीमारी के बारे में क्या जानकारी है, आपको क्या बताया गया, और उसमें ऐसा ऐसा वार्निंग शॉट्स दिए जा सकते हैं, जैसे जैसे पुलिस टीयर गैस का इस्तेमाल करती है, बल का प्रयोग करने से पहले छोटी छोटी चीज़ों का, तो वो जो चीज़ें हैं हम वार्निंग शॉट्स दे सकते हैं पेशेंट को कि भाई हमें नहीं लग रहा है कि रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे ठीक आ रहे हैं, तो वो वार्निंग शॉट्स मिलते रहते हैं पेशेंट को, वो वार्निंग शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, जिसमें उसको समझ आना लगता है कि यार कुछ है। सर एक और कन्फ्यूजन मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे यदि जैसे लियास जी ने पूछा कि मेरे कमर में दर्द है, कन्फ्यूजन ये है कि जब किसी को दर्द होगा, लेट्स सपोज कमर में दर्द होगा, तो उसे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जाना है या पैलेटिव केयर यूनिट में आना है, ये कन्फ्यूजन। नहीं, कन्फ्यूजन इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए कन्फ्यूजन हमारा जो है, हम यहाँ पे डिवीजन जो है, जैसे मैं क्रॉनिक पेन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरा जो मेन फोकस है वो पेन को लेके है, पैलेटिव केयर को लेके, पैलेटिव और पेन जो है, ये मैंने आपको पहले बोला पेन एक पार्ट है पैलेटिव केयर का, पर पैलेटिव केयर टोटल नहीं है पेन में, पेन में नहीं है, आप समझ रहे हैं, तो मतलब मैं एक हिस्सा चला रहा हूं जो पैलेटिव और पेन को इकट्ठे लेके चला रहा हूं मैं, पर जब हम पेन की अलग बात करें तो पेन अलग अलग टाइप की हो सकती है, पेन कैंसरस हो सकती है, पेन नॉन कैंसरस हो सकती है। जब नॉन कैंसरस पेन की बात आई, जो नॉन मैलिग्नेंट पेन है, तो नॉन मैलिग्नेंट पेन को आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा वक्फा हो गया, 5-10 दिन या 15 दिन है, तो आप डेफिनेटली इसको हम एक्यूट पेन कहते हैं, तो एक्यूट पेन के लिए आप हमेशा ऑर्थोपेडिशियन के पास ही जाएंगे, एक्यूट पेन के लिए बहुत छोटा वक्फा है। पर अगर आपको लग रहा है ये क्रॉनिक पेन है, मेरे को 4 महीने से नहीं जा रही है पेन, 5 महीने से नहीं, मैं तो जा भी चुका हूँ 2-3 बार, मैंने एक्सरे भी करा लिया, इन्वेस्टिगेशन कराया, नहीं गया है, देन यू नीड टू कम टू ए पेन स्पेशलिस्ट जिसपे हम वर्कआउट कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है और आपको जिंदा दिल्ली से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए क्योंकि मायूसी से आप जिंदगी को ज्यादा नहीं जी सकते। अब डॉक्टर रोहित लाहौरी को बड़ी अच्छे से इलेबरेट इन्होंने किया और आपको समझ आ गया कि पैलेटिव केयर क्या है, और आसान शब्दों में यदि कहें कि जादू की जप्फी जो है वो एक पैलेटिव केयर है। और यदि डॉक्टर रोहित लाहौरी किसी को बहुत ज्यादा कन्फ्यूजिंग लगते हैं तो शायद इनका नाम यदि आनंद या मुन्ना भाई MBBS होता तो शायद आप आसानी से इनको पहचान जाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, आप जुड़ रही है न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।